हेलो स्टूडेंट्स तो कैसे हैं आप सब हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर इंडस्ट्रियल फार्मेसी और इंडस्ट्रियल फार्मेसी के लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर वन को कम्प्लीटली कवर कर लिया था अब आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर टू को यूनिट नंबर टू में हम देखने वाले हैं टेबलेट्स टेबलेट्स का इंट्रोडक्शन टेबलेट्स के आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स को साथ ही साथ इस लेक्चर में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेन मार्क्स के लिए या फिफ्टीन मार्क्स के लिए कई यूनिवर्सिटीज में फिफ्टीन मार्क्स में भी पूछा जाता है और इसी लेक्चर में एक्सिपिय के बारे में भी जानेंगे कि कौन कौन से हमें ऐड करने पड़ते हैं टैबलेट के साथ तो आज के इस लेक्चर में टैबलेट का इंट्रोडक्शन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट एंड यूज्ड कौन कौन से होते हैं टैबलेट फॉर्मुलेशन के दौरान साथ ही साथ टैबलेट के एडवांटेज एंड टैबलेट के डिसएडवांटेज भी इसी लेक्चर में कवर करेंगे लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होगा पर पूरा नॉलेजेबल है पूरा आपको याद हो जाएगा टैबलेट अच्छी तरह से आ जाएगी और ये क्वेश्चन बनता ही है इस यूनिट में से एक तो ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन क्वालिटी कंट्रोल वाला जब पढ़ेंगे तब बहुत ध्यान से पढ़ना तो फिलहाल के लिए टैबलेट का इंट्रोडक्शन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन एंड एक्सीपिय विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्ले लिस्ट जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मैंशन किए हुए हैं और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं ऑनलाइन क्लासेस भी होती है तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं तो चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं लेक्चर को सबसे पहले समझते हैं टेबलेट क्या होता है तो टेबलेट जो होता है सॉलिड फॉर्म है कैसा है सोलिड डोजेस फॉर्म आप सभी को दिख रहा है ये सोलिड डोजेस फॉर्म है आप सभी को पता भी है टेबलेट आर द सॉलिड डोजेस फॉर्म जिसको हम प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एड का मतलब क्या होता है है हेल्प हेल्पिंग टूल होता ये है, है ना विद द हेल्प ऑफ एक्सीपिय जो हमारे फार्मास्यूटिकल एक्सीपिय होते हैं एक्सीपिय जैसे एंटी ऑक्सीडेंट प्रिजरवेटिव बाइंडर फिलर ठीक है ये जो एक्सीपिय होते हैं ना कलरिंग एजेंट फ्लेवरिंग एजेंट स्वीटनिंग एजेंट प्रिजर्वेटिव एंटी ऑक्सीडेंट ये सारे क्या होते हैं टेबलेट फॉर्मुलेशन में हेल्प करते हैं सो दे ऑल आर एक्सीपियपियंट आर इनर्ट इन नेचर अभी जब मैं एक्सीपिय पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा तो फिलहाल के लिए हमें यह पता लग गया कि टैबलेट आर सॉलिड सॉलिडेस फॉर्म जो कि अलग अलग से मिलकर बना है जैसे फ्लेवरिंग एजेंट कलरिंग एजेंट स्वीटनिंग एजेंट एंटी प्रिजर्वेटिव बाइंडर फिलर है ना कई तरह के एक्सिप्रिय यूज हुए हैं और एक्सीप्रिय कैसे होते हैं इनर्ट नेचर के होते हैं मतलब नॉन रिएक्टिव होते हैं ठीक है अब देखो यहाँ पर जो मैंने फोटो अटैच करी हुई है इसमें आपको पता लग रहा है कि टैबलेट जो है अलग अलग तरह से होती है टैबलेट का साइज अलग होता है शेप अलग होता है मोलिकुलर वेट अलग होता है अलग अलग तरह की टैबलेट होती है साइज में शेप में मोलिकुलर वेट में और ये हमारे स्टमक में जाएगी तो इनका डिसंटीगेशन रेट भी अलग अलग होगा कोई पहले डिसंटीगेट हो जाएगी किसी को डिस होने में टाइम लगेगा डिसेंटिगेट मतलब वहां पे ड्रग रिलीज होना वो टेबलेट का ब्रेकडाउन होना वहां से ड्रग रिलीज होना डिसंट्रीगेशन बोलते हैं उसको ठीक है तो यहाँ पर हर टेबलेट का अलग अलग शेप होता है साइज होता है वेट होता है हार्डनेस होता है थिकनेस होता है डिसइंटीग्रेशन होता है डिसोल्यूशन होता है हर टेबलेट का अलग अलग होता है तो टैबलेट आर द सॉलिड सोलिड फॉर्म और वी कैन से टेबलेट आर द यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म विच आर प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्सिपियंट ठीक है सर हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि टैबलेट एक सॉलिड डोजेस फॉर्म है जो कि प्रिपेयर करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्सिपियन और अलग अलग टैबलेट होती है साइज में शेप में वेट में हार्डनेस में थिकनेस में डिसइंटीग्रेशन में डिसोल्यूशन में ठीक है अब टेबलेट जो होती है आप सभी को बताए टेबलेट जो है ओरली ली जाती है आप स्वेलो कर लेते हो निकल लेते हो जैसे आप नॉर्मली पीसीएम लेते हो डोलो लेते हो ठीक है एस्पिरिन लेते हो जो भी एंटी इन्फ्लामेटरी है एंटीपायरेटिक ड्रग है एनालिक ड्रग्स हैं ये आप लेते हो तो ये सीधा आप क्या कर लेते हो स्वेलो कर लेते हो सीधा निगल लेते हो तो जो टैबलेट्स होती है वो मोस्टली ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से ली जाती है पर कई टैबलेट्स को आपको बकल केविटी में रखना होता है कई टैबलेट्स को आपको सब लिंगली रखना होता है तो टैबलेट्स को आप सब लिंग्वली भी ले सकते हैं बकल कैविटी में भी ले सकते हैं साथ ही साथ वेजाइनल में भी इंसर्ट करनी पड़ती है टैबलेट जैसे मान लीजिए वेजाइना है वेजाइना में कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया तो वहां पर टैबलेट को इंसर्ट करना पड़ता है तो वेजाइनली भी हम टैबलेट को इंसर्ट करते हैं तो ये टैबलेट के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया कि टैबलेट आर द सोलिडोजिस फॉर्म अलग अलग होते हैं एक्सीपिय के साथ जुड़ते हैं और टैबलेट जो है ओरली ही ली जाती है मोस्टली पर सबलिंगुअल लिंग बकली और वेजाइनली बकली और वेजाइनली भी ले सकते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करूं तो एडवांटेज क्या है कि टेबलेट जो है इजीली आप एडमिनिस्टर कर सकते हो चाहे कॉमर्स का बंदा हो आर्ट्स का बंदा हो सबको पता है कि बस टेबलेट को रखना है और निगलना है पानी के साथ हर कोई इजीली एडमिनिस्टर कर सकता है ये कोई इंजेक्शन वगैरह तो है नहीं कोई स्किल्ड पर्सन तो चाहिए नहीं नर्स वगैरह तो चाहिए नहीं यहाँ पर ठीक है इजिली है टेबलेट रखा स्वेलो कर लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है इजी टू डिस्पेंस है इजी टू एडमिनिस्टर्ड है और टैबलेट जो होता है मोर स्टेबल होता है ज़्यादा स्टेबल होता है टू अदर फॉर्म। जैसे कि लिक्विड मान लो, तो टेबलेट ज्यादा स्टेबल क्यों होता है पता है क्योंकि टेबलेट जो है ड्राई है यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी मॉइस्चर नहीं है टैबलेट में किसी भी तरह का कोई भी मॉइस्चर नहीं है और अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ भी नहीं होगी तो ध्यान रखना टैबलेट जो होता है ड्राई फॉर्मेट में होता है टैबलेट में किसी भी तरह का कोई भी मॉइस्चर नहीं होता और अगर टैबलेट में किसी भी तरह का कोई भी मॉइस्चर नहीं होता तो टैबलेट में किसी भी तरह का कोई भी माइक्रो ऑर्गेज नहीं ग्रो कर पाएगा अब देखो एक्यूरेसी इन डोज एक्यूरेसी का मतलब होता है जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि ये टैबलेट जो है फाइव हंड्रेड की है तो आपको पता है कि आपकी बॉडी में कितना एम गया है फाइव हंड्रेड गया है तो यहाँ पर डोज जो है फिक्स रहता है पर अगर आप बात करेंगे पाउडर्स की तो जैसे मान लो ये पाउडर डोजेस फॉर्म है

आपको खाते ही फील लाइक वॉमिट नोजिया जैसा हो जाए उल्टी जैसा हो जाए तो इस पाउडर को उठाओ और इसकी बनाओ टेबलेट ठीक है और उस टेबलेट पे कोटिंग वोटिंग कर दो ताकि हमें टेस्ट का पता ही ना लगे तो ये भी तो एक फायदा है ना कि जो बीटर ड्रग होते हैं जो नोजियस ड्रग होते हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं ऐसे ड्रग होते हैं तो उसको भी हम इजीली डिस्पेंस कर सकते हैं टेबलेट फॉर्मेट में आसानी से बनाकर दे सकते हैं क्योंकि ड्रग तो अंदर रह जाएगा ऊपर तो टेबलेट की लेयर्स आ जाएंगी और टेबलेट जो होती है हल्की होती है कॉम्पैक्ट होती है मतलब स्मॉल होती है और आसानी से आप कैरी कर सकते हैं इतनी सारी टैबलेट सा आप एक साथ ले जा सकते हैं टैबलेट 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 ठीक है इजीली कैरी कर सकते हो कोई कैरी करने में दिक्कत भी नहीं है इकोनॉमिकल होती है टैबलेट सस्ती होती है फॉर्म के कम्पेरिजन में और कई बार क्या होता है सस्टेन रिलीज होता है जैसे मान लीजिए आपको कई बार टैबलेट ऐसी बनाई जाती है जिसका सस्टेन रिलीज हो सस्टेन रिलीज का क्या मतलब होता है वो सुनो देखो वैसे तो ये सस्टेन रिलीज वाली बात आपको सेवन सेमेस्टर में पूरा एक सब्जेक्ट है पूरा सब्जेक्ट है जिसकी पांच यूनिट पढ़नी है पर फिलहाल आप इतना याद रखो सस्टेन रिलीज मतलब होता है ड्रग जो है धीरे धीरे रिलीज हो रही है आपके फॉर्म में ये आपका डोजेस फॉर्म है यहाँ पर अंदर आपकी ड्रग है वो ड्रग जो है धीरे धीरे रिलीज होगी क्यों क्योंकि यहाँ पर हम कवरिंग कर देते हैं लेयर बना देते हैं और लेयर बनाने की वजह से क्या होता है पहले ये लेयर डिजोल्व होती है धीरे धीरे आप देखो ये धीरे धीरे लेयर डिजोल्व हो रही है हो रही है हो रही है धीरे धीरे ये लेयर डिजोल्व होगी उसके बाद अंदर की ड्रग बाहर आएगी तो इसे आप बोलोगे सस्टेन रिलीज धीरे धीरे ड्रग का रिलीज होना ठीक है डिसएडवांटेज क्या है वो देखो क्रिस्टलाइन ड्रग कुछ ऐसी क्रिस्टलाइन ड्रग होती है जिसका आप टेबलेट नहीं बना सकते कुछ हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स होती है हाइग्रोस्कोपिक मतलब ऐसी ड्रग जो वाटर को एब्सॉर्ब कर ले जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले तो उसके भी आप टेबलेट नहीं बना सकते कुछ ऐसी ड्रग होती है जिसकी वाटर सोल्यूबलिटी बहुत पुअर होती है तो उसकी भी आप टेबलेट नहीं बना सकते तो ध्यान रखना कुछ क्रिस्टलाइन ड्रग की टेबलेट आप नहीं बना सकते हाइग्रोस्कोपिक ड्रग की टेबलेट ऐसी ड्रग जो कि मॉइस्चर को एब्सॉर्व कर ले उसकी भी टेबलेट आप नहीं बना सकते पुअर वाटर सोल्यूबल हो ऐसी ड्रग उसकी भी टेबलेट आप नहीं बना सकते साथ ही साथ टेबलेट से एक और नुकसान है अगर आप टेबलेट दे रहे हैं तो आप और मैं हम तो आसानी से टेबलेट्स को ले लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं हमें ईजिली एडमिनिस्टर कर लेंगे पर कोई बूढ़ा इंसान है ठीक है या फिर कोई छोटा सा बच्चा है तो उनको टैबलेट को स्वेलो करने में प्रॉब्लम आती है या फिर कोई अनकॉन्शियस है कोई बेहोश है तो ध्यान रखना टैबलेट को स्वेलो करने में प्रॉब्लम आती है है कोई छोटा बच्चा तो नहीं निकलता ना वो उसको सिरप दी जाती है छोटे बच्चे को जो बूढ़ा हो जाता है इंसान उसको भी टैबलेट लेने में प्रॉब्लम आती है निकलने में प्रॉब्लम आती है साथ ही साथ कोई बेहोश है तो उसे भी टैबलेट नहीं दे सकते सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ टेब्लेट्स क्या क्या डिसएडवांटेज बताया मैंने बूढ़ों के लिए सही नहीं है निकलने में बच्चों के लिए भी सही नहीं है स्वेलोइंग में प्रॉब्लम आएगी ठीक है स्वेलो नहीं हो पाएगी सही से और अनकॉन्शियस पेशेंट जो बेहोश है उसको तो कैसे ही आप निकलाओगे टेबलेट को निकल ही नहीं सकता ना हो तो ठीक है और अगर मैंने आपको बोला था ना कि ड्रग को आपको धीरे धीरे रिलीज कराना है सस्टेन रिलीज कराना जैसे मान लीजिए ये ड्रग है इसके ऊपर मैंने लेयर लगा दी इस तरह से ठीक है अब यहाँ से ड्रग पहले ये लेयर डिजोल्व होगी और उसके बाद ड्रग यहाँ से रिलीज होगी

पर क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले मैं आपको बढ़ा देता हूं आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स आप कुछ भी लेने जा रहे हो मार्केट में सपोज आप यहां पर खड़े हो आप कुछ भी मार्केट में लेने जा रहे हो एक छोटे से छोटा फोन भी अगर आप आप लेने जा रहे हो तो आप सोचोगे कि और उस फोन में ये भी होना चाहिए उस फोन में वो भी होना चाहिए सारे फीचर होने चाहिए फ्लैश लाइट होनी चाहिए माइक दो होने चाहिए कैमरा तीन होने चाहिए अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए बैटरी अच्छी बैकअप होनी चाहिए सब कुछ आप देखोगे ना एक आइडियल फोन लेकर आओगे ना उस बजट में ठीक है तो वैसे ही आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं टैबलेट के हाँ कि हाँ मेरी टैबलेट ऐसी होनी चाहिए एक बात बताओ ये मेरी टैबलेट है सपोज ये टैबलेट एकदम प्रॉपर शेप में तो क्या इसमें कोई खराबी आनी चाहिए क्या मतलब कि इसमें चिप्स क्रैक डिसकलरेशन कंटामिनेशन अब मैं समझाता हूँ कंटामिनेशन का मतलब क्या इस पर कोई खराबी इंप्यूरिटी आनी चाहिए कोई बैक्टीरिया अटैक होना चाहिए नहीं क्या इसमें कोई डिसकलरेशन होना चाहिए मान लो ये सफेद कलर की है ठीक है पर इसका कलर जो है धीरे धीरे शेड हो जाए या फिर ये ऑरेंज कलर की थी उसका कलर धीरे धीरे शेड हो जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना इसमें क्रैकिंग नहीं होनी चाहिए यहाँ की लेयर सेपरेट नहीं होनी चाहिए देखो मैं आपको बताता हूँ ये सारी प्रॉब्लम्स ध्यान से देखना ये जो आपको प्रॉब्लम दिख रही है ना ये देखो पहले ऐसी थी फिर ऐसी हो गई तो ऐसा नहीं होना चाहिए ये यह देखो यहाँ पर ये यह दिख रही है आपको है ना ये देखो इस तरह से खुल जाएगी ऐसा नहीं होना चाहिए हमारी टेबलेट एकदम प्रॉपर होनी चाहिए उसमें किसी भी तरह की चिपिंग वीपिंग नहीं होनी चाहिए चिपिंग क्रैकिंग ये देखो इस तरह से क्रैक हो जाती है टेबलेट तो ये कुछ भी नहीं होना चाहिए ये आप आगे पढ़ोगे पर अभी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने बता दिया कि यहाँ पर कोई भी चिपिंग क्रैकिंग डिस्कलरेशन कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए सबके ऊपर मैंने क्रोस लगा रखा है ठीक है और मान लीजिए अगर आपके पास टैबलेट है और टैबलेट को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो ये टैबलेट आपने बना दी इसको आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कई बार ऐसे मैकेनिकल स्ट्रेस आते हैं कई बार प्रेशर लगता है टेबलेट पे तो ध्यान रखना ट्रांसपोर्टेशन के दौरान टेबलेट आपकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए इतनी अच्छी टेबलेट बनाओ आप मैकेनिकल स्ट्रेस झेल जाए वो साथ ही साथ आपकी टेबलेट केमिकली फिजिकली स्टेबल होनी चाहिए समय के साथ स्टेबल रहे आपकी टैबलेट केमिकली एज वेल एज फिजिकली और आपके ड्रग को उसी तरह से रिलीज करे और उसी तरह से एक्शन शो करवाए जैसे हम चाहते हैं जैसे हमने प्रिडिक्ट किया है तो ये सारी आइडियल है कि हा मेरी टैबलेट ऐसी होनी चाहिए ठीक है नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ टैबलेट तो देखो कुछ टैबलेट तो ऐसी होती है जो आप सीधा निगल लेते हो ठीक है सीधा आपने स्तमक में डाल दिया उसको जैसे कंप्रेस टेबलेट मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट एंट्रिक कोटेड टैबलेट सस्टेन रिलीज रिलजलेट शुगर कोटेड टैबलेट फिल्म कोटेड टैबलेट ये जितने भी टैबलेट्स होती है इनको आपको ओरली इंजेस्ट करना होता है सीधा आपको निगलना होता है कुछ टैबलेट्स का आपको बकल केविटी में रखना होता है मुंह में ही रखना होता है उसको स्वेलो नहीं करना होता यूज इन ओरल ओरल कैविटी कैविटी में ही वो रहनी चाहिए उसको स्वेलो नहीं करना जैसे बकल टेबलेट सब लिंग टैबलेट सब लिंग्वल का मतलब होता है टंग के नीचे रख देना टोर्चेस लॉजेंजेस ये टोर्चेस लोजेंजेस होती है आपके विक्स और स्ट्रेप और डेंटल कोन ये सारी क्या होती है ये वो टैबलेट है जो कि आपके ओरल केविटी में रहेगी इनको आपको स्वेलो नहीं करना इनको आपको क्या नहीं करना स्वेलो नहीं करना जबकि ये पहली वाली क्या है जिनको आप स्वेलो कर सकते हो निगल सकते हो उसके बाद अदर रूट से भी आप दे सकते हैं जैसे इम्प्लांटेबल होते हैं छोटा सा माइनर सा ऑपरेशन करके इम्प्लांट कर देते हैं टेबलेट को छोटी सी माइनर सी सर्जरी होती है और फिर इम्प्लांट हो जाता है उसके बाद क्या होता है वेजाइनल टेबलेट्स भी होती है कुछ ठीक है वेजाइना में इंसर्ट कर देते हैं टेबलेट्स को इम्प्लांटेबल टेबलेट्स भी होती है कुछ रेक्टल टेबलेट भी होती है रेक्टली दी जाती है ठीक है तो ये अदर रूट हो गया उसके बाद यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन अब कुछ टैबलेट ऐसी होती है जिनका पहले सोल्यूशन बनाते हैं फिर उनको हम लेते हैं जैसे एक एग्जाम्पल अगर मैं दू वो टैबलेट तो नहीं है पर मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूं इनो तो इनो जब आप पाउडर यूज करते हो तो पहले उसको वाटर में डालते हो फिर उसको पीते हो ना तो वो सोल्यूशन बना के आप पीते हो तो वैसे ही टैबलेट होती है जैसे मान लो यहाँ पे इनो की जगह कोई टैबलेट है इस टेबलेट को आपने क्या करना होता है इस सोल्यूशन में डालना होता है पानी में डालना होता है और उसके बाद उसको पीना होता है तो ये सॉल्यूशन बनाने वाली टैबलेट्स भी होती है जैसे टैबलेट टेबलेट, टेबलेट, ये जो टैबलेट्स होती है ये सारी सॉल्यूशन वाली टैबलेट होती है तो वन बाय वन सारी टैबलेट्स को देखना है ऐसे टैबलेट जिनको आप निकल सकते हो स्वेलो कर सकते हो इंजेस्टेड ओरली जैसे कम्प्रेस मल्टीपल कम्प्रेस एंट्रिक कोटेड सस्टेन रिलीज शुगर कोटेड फिल्म कोटेड ऐसी टेबलेट जिसको आप स्वेलो नहीं कर सकते जो कि ओरल कैविटी में ही रहेगी बकल टेबलेट सब टेबलेट टैबलेट एंड लोजेंजेस एज वेल एज डेंटल कोन्स Administered by other route like implantable tablet and vaginal tablet as well as rectal tablet. Used to prepare solution, effervescent, dispensing, hypodermic. One by one start करते हैं सबसे पहले देखते हैं orally ingest करना मतलब निगलने वाली tablet. सब तैयार हो निगलने के लिए. तैयार. देखो ये lecture जरूर देख लेना route of administration of drug. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये लेक्चर का मैं आपको सजेशन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अलग अलग रूट से ड्रग को एडमिनिस्टर करा हुआ है आप देख सकते हैं बकल रूट सब रूट ठीक है नेजल और आईवी के थ्रू भी तो कई तरह से मैंने पर ड्रग को इंसर्ट किया हुआ है ह्यूमन बॉडी में तो ये लेक्चर जब आप देखोगे तो आपको बहुत आइडिया लगेगा और बहुत बेनिफिशियल रहेगा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाय डेप्थ बायोलॉजी चलिए कंटिन्यू करते हैं सबसे पहले देखते हैं इनजस्टेड ओरली

तो ध्यान रखना ऐसी टेबलेट जिसका डिस इंटीग्रेशन फास्ट हो डिजोल्यूशन फास्ट हो एब्जॉर्बशन फास्ट हो इस टेबलेट को हम कहते हैं कंप्रेस टेबलेट ठीक है जब आप आगे इक्विपमेंट पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ये है ग्रेन्यूल और ग्रेन्यूल को कंप्रेस करके ही आप टेबलेट बनाते हो ध्यान रखना ग्रेन्यूल के कंप्रेशन से टेबलेट बनती है और यहां पर ग्रेन्यूल को रखा ही इसलिए हुआ है क्योंकि यहां से ये अपर पंच आएगा और इसको कंप्रेस करके एक टेबलेट बना देगा तो जो ही आपकी कम्प्रेस टेबलेट होती है ये कोटेड भी हो सकती है अनकोटेड भी हो सकती है पर इतना याद रखना कम्प्रेस टेबलेट जो है जी में जाने के बाद फटाफट डिसंट्रिकेट डिजोल्व एब्जॉर्ब और ये कोटेड अनकोटेड दोनों हो सकती है और यहाँ पर हमें करना क्या होता है जो भी आपके ग्रेन्यूल होते हैं उसको डाई डाइकेविटी में रखना होता है दिस इज द डाई डाई डाइकेविटी इस डाई डाइकेविटी में एक होता है लोअर पंच एक होता है अपर पंच जब अपर पंच लोअर पंच मिक्स होते हैं मतलब ये जो अंदर के आपके ग्रेन्यूल है ये जो होंगे कंप्रेस हो जाएंगे और इन ग्रेन्यूल के कंप्रेशन होने की वजह से टेबलेट का फॉर्मुलेशन हो जाता है यहां पर ठीक है फिर है आपका मल्टीपल कंप्रेस टेबलेट अब देखो मल्टीपल कंप्रेस नाम से पता लग रहा है बार बार कंप्रेस हुआ है है होता क्या है कि कुछ इनकम्पेटिबल मटेरियल होता है इनकम्पेटिबल मटेरियल ऐसा मटेरियल जो कि ड्रग के साथ सूट नहीं कर रहा अब देखो ड्रग तो बहुत जरूरी है पर ड्रग के साथ अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो कि इनकम्पेटिबल है मतलब ड्रग के साथ सूट नहीं कर रहा तो उसको अलग कर दो तो ड्रग को तो आपने अलग कर दिया और उस मटेरियल को अलग कर दिया जो कि इनकम्पेटिबल है जो कि सूट नहीं कर रहा तो ड्रग को आपने कोर में बंद कर दिया कोर में बंद कर दिया अब ये जो इनकम्पेटिबल मटीरियल है ना ये कंपेटिबल होता है एक्सीपिय के साथ एक्सीपिय के साथ इसकी अच्छी बन जाती है तो इसको एक्सीपिय के साथ एड कर दो तो जो सब्सटेंस अनकम्पेटिबल होता है उसको कंपेटल होना पड़ता है एक्सीपिय के साथ या फिर आप ऐसे बोल लो कि वो कंपेटिबल हो जाता है के साथ वो आपस में बना लेते हैं तो इस तरह से यह फॉर्मुलेशन डन होती है ठीक है सर हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो ड्रग था ड्रग के साथ इनकम मटेरियल था तो उसको अलग कर दिया और उसको एक्सीपिय के साथ मिला दिया और यहां पर हमने मल्टीपल कंप्रेशन कर दिया और उन दोनों को अलग अलग रख दिया ठीक है तो ये मल्टीपल कंप्रेशन से पॉसिबल हुआ क्लियर हुआ आपको मल्टीपल कंप्रेशन उससे पहले नॉर्मल कंप्रेस टैबलेट था तो यहां पर मैं टिक करता जाता हूँ कंप्रेशन हो गया मल्टीपल कंप्रेशन हो गया नाउ नेक्स्ट इज मल्टीलेयर टैबलेट नाम से पता लग रहा है ड्रग के ऊपर एक नी दो नी तीन नी बहुत सारे लेयर हम चढ़ा सकते हैं लगा सकते हैं उसको बोल रहे हैं मल्टीलेयर टैबलेट देखो मल्टीलेयर टैबलेट कंसिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ ड्रग डिफरेंट रिलीज रेट इसको मैं आपको समझाता हूं ध्यान से सुनिएगा जैसे मान लीजिए ये आपका ड्रग है और इस ड्रग के ऊपर आपने एक लेयर लगाई ठीक है एक के बाद दूसरी लेयर लगाई डन दूसरे के बाद आपने तीसरी लेयर लगाई ठीक है तीसरी लेयर भी लग गई तो अब यहां पर क्या होगा कि इस लेयर का जो बाहरी बाहर की लेयर है हो सकता है इसका डिजोल्यूशन रेट अलग हो इसका डिजोल्यूशन अलग हो और इसका डिजोल्यूशन अलग हो तीनों का डिजोल्यूशन रेट अलग हो सकता है हो सकता है जो बाहर वाली लेयर है वो फटाफट डिजोल्व हो जाए उसका डिजोल्यूशन रेट ज्यादा हो तो ये फटाफट अगर डिजोल्व हो जाएगी तो यहां पर भी आप ड्रग रखोगे यहां पर भी आप ड्रग रखोगे पर भी आप ड्रग रखोगे तो यहाँ की ड्रग फटाफट रिलीज हो जाएगी फिर मान लो कि जो अंदर वाला है उसका डिजोल्यूशन रेट कम है तो इसको होने में टाइम लगेगा ये डिजोल्वी नहीं हो पाएगी नहीं हो पाएगी नहीं हो पाएगी नहीं हो पाएगी फिर थोड़ा सा थोड़ा सा फिर थोड़ा सा फिर थोड़ा सा फिर जाके डिजोल्व होगी फिर ड्रग रिलीज होगी और फिर मान लो जो अंदर ही अंदर की लेयर है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रही है डिजोल्व भी नहीं हो पा रही नहीं हो पा रही नहीं हो पा रही डिजोल्व नहीं हो पा रही तो अलग अलग लेयर की अलग अलग डिजोल्यूशन रेट हो सकती है ठीक है समझ में आ रहा है जो ड्रग के ऊपर आप लेयर लगाओगे उन लेयर की डिजोल्यूशन रेट अलग होगी और जब वो लेयर डिजोल्व होगी तभी तो ड्रग रिलीज होती है यहां पर भी ड्रग फिल कर रहे हैं यहां पर भी यहां पर भी हर लेयर में और सस्टेन रिलीज हो रहा है धीरे धीरे होले होले रिलीज हो रही है आप यहां पर देख सकते हैं कई तरह की लेयर मैंने आपको दिखा रखी है जैसे कि फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर थर्ड लेयर फोर्थ लेयर और इन सबको मिलाकर बना है फोर लेयर फिर लेयर 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 टैबलेट फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड और इन सबको मिलाकर बना है आपका ट्राई लेयर टैबलेट फिर फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर और इन सबको मिलाकर बना है आपका बाई लेयर टेबलेट तो फिर इस तरह से बाई लेयर ट्राई लेयर फोर लेयर टेबलेट आप आसानी से बना सकते हो और ये लेयर्स बढ़ती जा रही है तो आप इसको क्या बोलोगे मल्टीपल तो ये हो गई मल्टी लेयर टैबलेट्स जहां पर बहुत सारे लेयर्स आपको लगानी होती है ड्रग के चारों तरफ और उनकी रिलीज रेट अलग अलग हो जाती है और यहां पर ड्रग एक्सिपिएंट में किसी भी तरह की इनकम्पेटेबिलिटी नहीं आती ये बात ध्यान रखना क्योंकि अलग अलग लेयर है कैसे भी आप एडजस्ट कर लो और ये भी मैंने आपको बता दिया कि रिलीज रेट अलग अलग होगी क्योंकि जैसे जैसे लेयर डिजोल्व होगी मान लो ये वाली लेयर फटाफट हो जाती है पर ये ये वाली वाली लेयर लेयर को को टाइम टाइम लगता लगता है है होने में फिर ये वाली को भी लगता है, तो यहां से ड्रग का रिलीज रेट अलग अलग होगा इसमें से फटाफट ड्रग रिलीज हो जाएगी क्योंकि ये पहली लेयर फटाफट डिजोल्व हो जाएगी फिर यहां से थोड़ा टाइम लगेगा फिर ड्रग रिलीज होगी तो यहां पर डिफरेंट रिलीज रेट होती है ड्रग की रिलीज रेट जो होती है ना मल्टीपल होती है अलग अलग होती है एक सिंगल ड्रग की रिलीज रेट अलग अलग होती है आप देख सकते हैं यहां पर ये जो है बीच में दिस इज द कोर जहां पर आपका एक्टिव ड्रग है और ये जो है आपकी लेयर है वन लेयर टू लेयर इट इज अ बाय लेयर ठीक है एंड इट एक्ट लाइक अ बेरियर क्योंकि ये पहले डिजोल्व होगी डिजोल्व डिजोल्ड डिजोल्व डिजोल्व तब जाके अंदर का मेन इन्ग्रीडियंट बाहर आएगा एक्टिव जिसको हम कहते हैं ड्रग ट में क्या होगा धीरे धीरे होले होले रिलीज होगी टैबलेट ली और इस टेबलेट के ऊपर इस टेबलेट के ऊपर अलग से हमने फिल्म की कोटिंग कर दी पहले ये कोटिंग डिजोल्व होगी फिर ये टैबलेट डिस होगी फिर ड्रग रिलीज होगी तो यहां से होले होले ड्रग रिलीज होती है आप देख सकते हैं ये है फिल्म कोटिंग यहाँ पर है यह आपका सस्टेन रिलीज कोर मतलब ऐसा कोर जहां पर ड्रग है और वहां से ड्रग जो है होले होले रिलीज होती है धीरे धीरे रिलीज होती है ठीक है और अगर ड्रग धीरे धीरे रिलीज होगी तो उसका फायदा क्या है वो सुनो ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से समझाता हूँ ये वाली लाइन को मैं कि सस्टेन ड्रग रिलीज का फायदा क्या है चलो ब्लैंक पेज पे चलते हैं वहां समझेंगे जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं और आपको मैंने टेबलेट्स दी इतनी सारी टेबलेट्स सुबह शाम सुबह शाम लो इन्हें सुबह शाम सुबह शाम इस तरह से टेट लो और मैं खड़ा हूं यहां पर मस्त और मैं कोई भी टेबलेट नहीं ले रहा क्यों क्योंकि मैंने मैंने ड्रग 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 ली ली है 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 जिसका नाम सस्टेन रिलीज अब अब वो ड्रग मैंने ले ली। अब वो ले क्या कर रही है? मेरी बॉडी में जाकर धीरे धीरे लेयर डिजोल्व होती जा रही ड्रग रिलीज होती जा रही लेयर डिजोल्व होती जा रही ड्रग रिलीज होती जा रही तो मेरे प्लाज्मा में ड्रग का कंसनट्रेशन बना हुआ है मेरे प्लाज्मा में ड्रग का कंसनट्रेशन बना हुआ है पर यहां पर इस बंदे को बार बार टेबलेट लेनी है सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम और अगर ये नहीं लेगा तो इसके प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन मैनेज ही नहीं रहेगा तो फायदा क्या है कोई फायदा नहीं है इसका तो हमारी जो सस्टेन रिलीज टेबलेट है ना उसका फायदा ये है कि प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है और डोज फ्रिक्वेंसी भी कम हो जाती है बार बार डोज लेने की जरूरत भी नहीं हमें एक बार ले, ले ली बस काफी है तो डोज का बार बार लेने की जरूरत खत्म हो जाएगी ठीक है और साइड इफेक्ट भी कम हो जाते हैं इससे डिक्रीज साइड इफेक्ट ऑल्सो

कि ये इंटेस्टाइन में ही क्यों हुई क्योंकि मान लो ये जो ड्रग है हो सकता है ये स्टमक स्टमक के पीएच पीएच पे खराब हो जाए का एसिडिक होता है ना तो हो सकता है उस खराब हो जाए इसलिए इस ड्रग को हमने इंटेस्टाइन में जाके करवाया क्योंकि वहां पे तो बेसिक पीएच है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये ड्रग आपके स्टमक में डिजोल्व हो जाती तो हो सकता है स्टमक में इरिटेशन हो जाती तो ये दोनों कंडीशन में हमें बनानी पड़ती है एंटेिक कोटेड टेबलेट एक कंडीशन तो ऐसी जब ड्रग ही खराब हो जाएगी एसिडिक मीडियम में तो स्टमक में डिजोल्व करवा के क्या ही कर लोगे और दूसरी कंडीशन अगर ड्रग स्टमक में डिजोल्व हो गई और सपोज स्टमक में इरिटेशन हो गया तो हमारे पेट खराब हो जाएगा दिस इज एंट्रिक कोटेड टेबलेट नाउ नेक्स्ट इज शुगर कोटेड आप सभी ने जेम्स तो खाई होगी बेस्ट एग्जाम्पल शुगर कोटेड ठीक है शुगर की कोटिंग कर देंगे तो ये शुगर कोटेड अभी आप आगे जब लेक्चर्स आएंगे फिफ्थ सिक्स लेक्चर वहां पर डिटेल में पढ़ोगे शुगर कोटेड को फिलहाल ये देख लो शुगर कोटेड का डायग्राम है यहाँ पर आपको सील टैबलेट कोर मिलेगा सब कोटिंग मिलेगी स्मूथिंग कलरिंग पॉलिशिंग ठीक है ये सारी लेयर्स है आपको स्मूथिंग कलरिंग पॉलिशिंग लेयर्स वन बाय वन ताकि वो जो है टैबलेट आपकी बहुत अट्रैक्टिव दिखे कलरफुल दिखे टेस्टफुल रहे ये शुगर कोटिंग हो जाती है इन पे नाउ नेक्स्ट इज फिल्म कोटेड ये सारी टेबलेट वो है जिसको हमें निगलना है अब देखो फिल्म कोटेड क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ जैसे मान लीजिए आपकी ड्रग है अब ये ड्रग जो है हमारी बॉडी में जाने वाली है ह्यूमन ह्यूमन बॉडी बॉडी में में इसके वेबलेट आपने बना दी बढ़िया सी और ये में जाने वाली है पर हो सकता है ह्यूमन बॉडी में कितने तरह के एंजाइम है बहुत तरह के एंजाइम है बहुत तरह का पीएच है तो हो सकता है ये ड्रग खराब हो जाए किसी एंजाइम की वजह से खराब हो जाए किसी पीएच की वजह से खराब हो जाए तो इस ड्रग को बचाने के लिए इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं पोलीमर की और इसी को हम बोलते हैं फिल्म कोटेड टैबलेट जहां पर हम एक पॉलीमर की लेयर चढ़ा देते हैं ताकि हमारा टेबलेट सेफ रहे किसी भी पीएच में वो खराब ना हो किसी भी एंजाइम से वो खराब ना हो ठीक है ये हो गया फिल्म कोटेड नेक्स्ट इस चुएबल टेबलेट ऐसी टैबलेट जिसको आपको चबाना है तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है इस टैबलेट को लेना है पहले इसको चबाना है उसके बाद इसको निगल लेना है यहां पर लिखा है चबाओ पहले उसको निगलने से पहले निगलने से पहले उसको चबाओ क्लियर हुआ और एक बात और ध्यान से सुनो अगर मैं आपको कह रहा हूं चबाओ तो फिर आपने क्या बोला कि अगर ये टेबलेट है और सर मैंने इसको अगर चबा लिया मुंह में ही तो ये तो मुंह में ही डिस हो गई मुंह में ही डिजोल्व होना शुरू हो गई अंदर जाके तो फिर एब्जॉर्ब ही एब्जॉर्ब है क्योंकि मैंने तोड़ दिया ना उसको क्रश कर दिया ना मेरे दांतों से चबा चबा कर उसको मैंने चीव करके उसको मैंने क्या करा छोटा कर दिया डिसंट्रीगेट कर दिया तो जितनी भी टैबलेट्स थी चाहे हमने देखी चुएबल टेबलेट चाहे, हमने देखी फिल्म टेबले, चाहे हमने देखा शुगर कोटेड टैबलेट या फिर हमने देखा एंट्रिक कोटेड टैबलेट या फिर हमने देखा या फिर हमने देखा मल्टीलेयर टैबलेट या फिर, फिर कंप्रेस्ड और मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट ये सारा आपका ओरली इंजेस्टेड था मतलब निकलने वाली थी अब इसके बाद निकलने वाली की बात ये तो हमारा हो गया अब इसके बाद है ओरल केविटी फिर अदर रूट और फिर सॉल्यूशन चलो ओरल ओरल वाली देखते हैं में कुछ भी नहीं है बहुत इजी सा है ओरल का एक होती है बकल टेबलेट बकल टेबलेट को कहां रखना होता है ये आपकी चीक्स और आपके गम्स के बीच में ये टेबलेट दिख रही है ना तो आपके चीक और गम के बीच में चीक्स गम्स के बीच में टेबलेट रखनी है ठीक है बस बात खत्म अब क्या होगा धीरे धीरे ये टेबलेट यहाँ पे डिजोल्व होगी ये टेबलेट यहाँ पर पेस्ट बनाएगी और वो पेस्ट जो है यहाँ की जो कैपेलरीज होती है जो भी वेसल्स वगैरह है छोटी मोटी वो एब्जॉर्ब कर लेगी और सीधा ब्लड सर्कुलेशन में चल जाएंगी बहुत बढ़िया फायदा है इसका पता है क्या यहाँ पर ड्रग आप ओरली इंजेस्ट करके नहीं ले रहे मतलब आप निगल नहीं रहे उसको अंदर सिर्फ यहीं से एब्जॉर्ब हो रही है सीधा सर्कुलेशन में जा रही है आप खुद देखो ये जो ड्रग है यहाँ पर ये देखो कंसनट्रेटेड पेस्ट बनाना शुरू कर दिया अब ये पर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी यहाँ पर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी तो ये सीधा ब्लड में जा रही है अगर आप टेबलेट को लेते आप खुद सोचो आपने टेबलेट ली, अंदर गई आपके स्टमक में सर्कुलेशन में आती कितना टाइम था बहुत टाइम लग जाता ना पर यहां पर आप देखो फटाफट फटाफट एब्जॉर्ब हो रही है तो किसी भी हार्ट पेशेंट को ना ऐसे ही टेबलेट दी जाती है या तो ऐसे या फिर सब लिंगवली दी जाती है अभी बताऊंगा मैं सब भी इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि ये टेबलेट जो है सीधा ब्लड में जा रही है इसको लीवर में नहीं जाना पड़ रहा बल्कि जब आप मुंह से निकल जो टेबलेट लेते हो ना अंदर स्वेलो करके उसमें जो है टेबलेट है ना लीवर के पास चल जाती है और वहां पे जाके मेटाबोलाइज हो जाती है बेचारी तो ड्रग काम ही नहीं कर पाएगी मेटाबोलाइज होने के बाद तो कुछ ड्रग अपना एक्शन शो करने से पहले ही लीवर के पास जाकर मेटाबोलाइज हो जाती है आई रिपीट कुछ ड्रग अपना एक्शन शो करने से पहले ही लीवर के पास जाके मेटाबोलाइज हो जाती है और ये कौन सी ड्रग होती है जो आप ओरली इंजेस्ट करते हो स्वेलो करते हो निगलने वाली ड्रग्स की बात चल रही है पर यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पर तो बहुत बढ़िया काम है ठीक है बकल टेबलेट और एक बात और ध्यान रखना ये जो लीवर वाली बात है ना कि ड्रग को जो आप निगल रहे हो वो लीवर में जाके मेटाबोलाइज हो रही है अपना एक्शन सही से नहीं कर पा रही तो इसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म और ये सबसे बड़ी दिक्कत है जब आप ओरल टेबलेट लेते हो निगलते हो ना तो ये फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म सबसे बड़ी दिक्कत है और ये जो आपको दिख रहा है ना कि यहां डायरेक्ट काम हो रहा है इसको कहते हैं बाईपास बाईपास ले लिया फटाफट काम कर लिया बाईपास बिलो द टंग अगेन टेबलेट डिजोल्व होगी कंसेंट्रेटेड पेस्ट बनाएगी और यहां पर कैपेलरीज में एब्सॉर्व हो जाएगी वही बात आ गई देखो रैपिड ड्रग एब्जॉर्बन क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म यहां पे नहीं हो रहा बाईपास हो रहा है क्योंकि डायरेक्ट एब्सॉर्शन हो रहा है ब्लड वेसल में जा रहा है कन्वीनियंट पेशेंट के लिए खुद भी आप ले, रख सकते हैं सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है उसके बाद है आपका ट्रोचेस और लोजेंजेस ठीक है ट्रोचेस और लोजेंजेस तो देखो ट्रोचेस क्या होते हैं स्मॉल होते हैं डिस्क शेप होते हैं ठीक है जो कि एस्ट्रिंजन प्रॉपर्टी रखते हैं एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखते हैं या फिर डिमल्सेंट ड्रग होती है उनमें मतलब ऐसी ड्रग जो कि इरिटेशन कम करे इंफ्लामेशन कम करे तो ट्रोचेस क्या होते हैं ट्रोचेस जो होते हैं स्मॉल होते हैं डिस्क शेप होते हैं एस्ट्रिजेंट प्रॉपर्टी रखते हैं एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखते हैं और डिमल्सन प्रॉपर्टी रखते हैं मतलब कि इन्फ्लामेशन और इरिटेशन को कम करने वाले द इस बिंग डिजोल्व जब तक डिजोल्व नहीं हो जाती तब तक उसे मुंह में रखना है ठीक है अब लोजेंजिस की बात करें तो लोजेंजिस जो होती है ना नेवर चीव एंड स्वेलो उसे ना तो चबाना है ना निकलना है समझ में आ गई ये देखो लोजेंजिस आर स्मॉल स्वीटन वेजिस की होती है ये देखो आप ये हेलोजन जिस तो इनको ना तो चबलना है ना निकलना है ये अपने आप ही धीरे धीरे क्या होगी डिजोल्व हो जाएगी आपको मुंह में रख के रखना है इसको बस वैक्स की गोली लो इरिटेशन दूर करो ठीक है वही वाली बात है चलो नेक्स्ट देखते हैं डेंटल कोन्स अब इसको मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूं देखो डेंटल कोन होते क्या है वेट, वेट, वेट। ये देखो मैं वही सोच रहा डायग्राम कहा गया ये देखो बढ़िया सा डायग्राम है अब डेंटल कौन होता क्या है जैसे मान लीजिए आपकी कैविटी है ठीक है टूथ के बीच में कैविटी तो उसमें ये डेंटल कौन ऐड कर देते हैं इस तरह से यहाँ पर ये डेंटल कौन ऐड हो जाता है ठीक अब ये क्यों करा जाता है वो देखो पढ़ देते हैं इसके बारे में देखो अभी मैंने आपको बोला कि आपका जो एम्पटी सॉकेट है मतलब ऐसा सॉकेट जहाँ पर दांत वगैरह नहीं है दाढ़ वगैरह नहीं है तो उसमें हम इसको एम्प्लाई कर देते हैं तो देखो यहाँ पे लिखा है दिस टेबलेट आर डिजाइन टू बी लूजली पैक्ड इन द एम्प्टी सॉकेट कहां पर लगा देते हैं एम टी सॉकेट में लगा देते हैं ठीक है इसका पर्पज क्या है इसको क्यों लगाते हैं इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है साथ ही साथ इसमें एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है ठीक है कॉगुलेशन की प्रॉपर्टी होती है तो ध्यान रखना ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है और थोड़े टाइम में ये डिजोल्व भी हो जाता है ऐसा नहीं है कि ये लगा रहेगा थोड़े टाइम में डिजोल्व हो जाएगा बीस से चालीस मिनट में बस तो ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी रखता है आपका डेंटल कोन इसको इंसर्ट करना होता है ठीक है ये इंसर्ट करते हुए दिखा रहे हैं आपको

जैसे कि आप देख सकते हैं इम्प्लांट क्या होते हैं स्मॉल स्टेराइल सॉलिड मासस होते हैं जो कि हाईली प्यूरिफाइड ड्रग के बने होते हैं देखो यहां पर बिल्कुल भी किसी भी तरह का कंटामिनेशन नहीं चाहिए क्योंकि हम स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं इसको ठीक है हमारे अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं तो उस टाइम अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ उसमें या कोई भी कंटामिनेशन हुआ तो हमारे लिए वो रिस्की साबित हो सकता है तो बिल्कुल स्टेराइल होना चाहिए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है ठीक है अब यहां पर देखो आप दीज आर द टेबलेट्स प्लेस्ड अंडर द स्किन और इंसर्टेड सब क्यूटेनियसली बाई मीन्स ऑफ माइनर सर्जिकल ऑपरेशन एंड आर स्लोली एब्जॉर्ब सीधी सी बात है जो भी हम इंसर्ट करेंगे वो धीरे 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 ही एबजॉर्ब होगा ठीक है स्लोली एब्जॉर्ब होगा माइनर सर्जरी से हम इंसर्ट कर देंगे तो यह एक ऐसी टेबलेट होती है जिसको हमें स्किन के अंडर रखना होता है और माइनर सर्जरी से हम स्किन के अंदर इसको ट्रांसफर कर देते हैं और यह स्लोली एब्जॉर्ब होती है हमारी बॉडी में ठीक है तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये जो इम्प्लांट्स होते हैं ना ये 99 परसेंट इफेक्टिव होते हैं और एक बार अगर आपने इम्प्लांटेशन करवा लिया तो उसके बाद तीन साल तक आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इट कैन बी यूजफुल फॉर वुमेन हु कैन नॉट यूज कंट्रासेप्शन दैट कंटेन एस्ट्रोजन ऐसी वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा है जो कि कॉन्ट्रासेप्शन का यूज नहीं करना चाहते हैं तो वहां पर क्या होगा जब आप इम्प्लांट्स लगा दोगे तो वो ड्रग धीरे धीरे रिलीज करता रहेगा हार्मोनल इम्बेलेंस रहेगा प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाएगी ठीक है तो ये हो गए वेजाइनल तो टेबलेट होती है वो अनकोटेड होती है बुलेट शेप होती है ओवियोइड शेप होती है अनकोटेड बुलेट शेप ओवियोइड शेप वेजाइना के अंदर जाना है तो बुलेट शेप होती है ओवियोइड शेप होती है अनकोटेड होती है ठीक है और इससे आपको वेजाइना में क्या फायदा देखने को मिलेगा जैसे मान लीजिए आपको कोई इन्फेक्शन हो गया वहां पर तो वो सही हो जाएगा एंड द ट्रीटमेंट ऑफ लोकलाइज वेजाइनल इन्फेक्शन सचेस कैंडिडा एल्बिकेन्स ईस्ट हिमोफिलियस वेजाइनलिस अगर इनसे कोई भी इन्फेक्शन हुआ है ठीक है कैंडिडा एल्बिकेन्स ईस्ट से हो गया ईस्ट का इन्फेक्शन हो गया कोई हिमोफिलियस वेजाइनलिस हो गया तो ये जो इन्फेक्शन है ये सब सही हो जाते हैं ट्स so बनी होती है जो कि अनकोटेड होती है बुलेट शेप होती है ओव्योड टेबलेट होती है जो कि लोकल इफेक्ट देती है जैसे वेजाइनल इन्फेक्शन अगर आपको हो जाता है ड्यू टू कैंडिडा एल्विगेंस ईस्ट और हिमोफिलियस वेजाइनलिस तो ये सही कर देगा एग्जाम्पल की बात करें साइक्लोडेक्सट्रेंट फॉर्मुलेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक ड्रग कौन कौन सी जैसे बीटा बीटाइलेक्टम एंटीबायोटिक्स पेप्टाइड प्रोपेलोल ठीक है अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या है कि आप इसको ओरली तो ले नहीं रहे वेजाइना में जा रहा है और वेजाइना में जा रहा है तो पता है क्या है कि यहाँ पर फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अगर आप ओरली लेते हो ना अगर आप उसे स्वेलो करते हो तो वो लीवर के पास जाती है ड्रग और मेटाबोलाइज हो जाती है तो फिर ड्रग अपना एक्शन ही शो नहीं कर पाती सही से पूरी ड्रग थोड़ी बहुत करती है पर पूरी नहीं कर पाती पर वेजाइना में ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर सीधा एक्शन आएगा क्यों क्योंकि यहाँ पर सीधा काम होगा कोई भी वहां पर लीवर के पास नहीं जा रही ड्रग

तो यहां पर हमें कोई भी रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं होती जब आपने सपोजिट्रि पढ़ी होगी फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपने पढ़ा था कि वहां पर सपोजिट्रि को हमें रेफ्रिजरेट करना होता है जमाना होता है ठीक है पर टैबलेट्स में से कोई दिक्कत नहीं है टैबलेट में कोई भी रेफ्रिजरेशन की प्रॉब्लम ही नहीं है बेटर प्रोडक्ट स्टेबिलिटी आपकी टेबलेट जो है ना

ठीक है सर हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि अगर आपने टेबलेट को निगला है आपने इंजेस्टेड ओरली करा है तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाएगा उसके अलावा कोई भी टेबलेट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में नहीं जाएगा चाहे वो बकल हो सब लिंग्वल हो डेंटल कोन हो रेक्टल हो विजाइनल हो सब में बाईपास होता है और बाईपास बहुत बढ़िया होता है सारा ड्रग एपसोअप हो जाता है कोई भी ड्रग खराब नहीं होगा मेटाबोलाइज नहीं होगा लीवर के थ्रू क्योंकि ड्रग लीवर में जाएगा ही नहीं इनकेस में नेक्स्ट आपका यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सोल्यूशन बनाना होता है तो सबसे पहली टेबलेट तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में एफरवे टेबलेट को इनो के एग्जाम्पल से समझाया था तो यहाँ पर भी आपने वही करना है सबसे पहले एक कंटेनर लेना है जिसमें वॉटर फिल हो उस कंटेनर के अंदर आपको अपनी टेबलेट को डिप कर देना है जब यह कंटेनर के अंदर टेबलेट जाएगी तो टेबलेट जो है धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होगी डिजोल्व होगी और फाइनली एक सॉल्यूशन जो है आपका तैयार हो जाएगा और यहाँ से जो सीओ टू है रिलीज हो जाएगी तो यहां पर आपने सिंपल क्या करना है जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देखो आप यहाँ पर खड़े हैं आपके हाथ में टैबलेट है इस टैबलेट को आपने अंदर डाल देना ये टैबलेट अंदर आ गई धीरे धीरे ये डिस होगी और डिस होने के बाद डिजोल्व हो जाएगी और ये आपका सोल्यूशन तैयार और यहाँ से सीओ टू जो है रिलीज हो जाएगी ठीक है यहाँ पर लिखा है दिस फेसिलेट टैबलेट डिस एंड ड्रग डिजोल्यूशन द टैबलेट डिस शुड कम्प्लीट विद इन फ्यू मिनट

क्योंकि टेबलेट पहले ही डिस हो चुकी है सोल्यूशन तैयार हो चुका है अब तो सिर्फ आपको उसको पीना है और सीधा ही एक्शन आएगा ठीक है इस तरह से आप काफी ड्रग को इंटेक कर सकते हो बड़ी आसान प्रोसेस है ये ठीक है यहाँ पर आपको दिखा भी रखा है साथ ही साथ एफरवे टेबलेट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर मे बी पैक्ड इन ब्लिस्टर पैक्स इस तरह से होते हैं ब्लिस्टर पैक्स ये जो पैकिंग है ना ये है ब्लिस्टर पैकिंग अब देखो ये बात सही भी है क्योंकि आपको पता है कि ये टेबलेट जो है वाटर में अच्छे से डिजोल्व हो जाती है तो अगर आपने इसको मॉइस्चर से नहीं बचा के रखा जैसे ये मान लो टैबलेट है और ये टेबलेट मॉइस्चर से नमी से नहीं बची तो मॉइस्चर आके यहाँ पर अटैक कर देगा और ये टेबलेट यहीं डिसिनटिग्रेट होना शुरू हो जाएगी तो हमें इन टैबलेट्स को जो कि एक्वस में बहुत अच्छे से सोल्यूबल हो जाती है इन टेबलेट्स को हमें ब्लिस्टर पैकिंग में रखना होता है एक ऐसी पैकिंग होती है जहां पर मॉइस्चर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि मॉइस्चर अटैक करेगा तो ड्रग पहले ही खराब हो जाएगी हमारे पास सोल्यूशन सेन मैथाडोन लिवा इन सब की प्रिपरेशन होती है ठीक है ये सब, इन सब की भी बनती है तो ये है एफरवेट मेनली आपको ये ध्यान रखना है डायग्राम और जो मैंने आपको बताया वो और उसके बाद ये जो एडवांटेजेस हैं वो और ब्लिस्टर के, के बारे में आपको बताना है नेक्स्ट है आपका हाइपोडर्मिक टैबलेट हमें देखना है हाइपोडर्मिक टेबलेट अब ये हाइपोडर्मिक टैबलेट एफरवेट सब किसके क्लासिफिकेशन जिसका हम सोल्यूशन बना सके उसके अंडर में आता है हाइपोडर्मिक तो हाइपोडर्मिक टेबलेट्स भी कैसी होनी चाहिए जो वाटर में इजीली सोल्यूबल हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसी ड्रग नहीं होनी चाहिए जिसमें वोटर में सोलबिलिटी ना हो ऐसी ड्रग का हम नहीं बना सकते क्योंकि सोल्यूबिलिटी होना तो बहुत जरूरी है अगर आपको ड्रग को सोल्यूबल करना है वोटर में तो ड्रग की सोलबिलिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है देखो कैन बी यूज फॉर मेडिकामेंट्स हुज स्टेबिलिटी इन वोटर इज वेरी पुअर ठीक है मतलब ऐसी ड्रग जो वोटर के कॉन्टेक्ट में आते फटाफट जो है डिसइंटीग्रेट हो जाए उनकी स्टेबिलिटी ना हो ठीक है ऐसा नहीं हो कि वो वाटर में स्टेबल ही रहे वो डिसेंट्रगेट हो जाए फटाफट ऐसी ड्रग्स आपको चाहिए तो यहां पर लिखा है देखो मैंने डेफिनेशन ए वॉटर सोल्यूबल टेबलेट दैट कंटेन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मेडिकेशन जिसके पास क्या होगा एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेडिकेशन होगा जिसको हम तैयार कर रहे हैं एक सॉल्यूशन बना रहे हैं फिर वहां से हम इंजेक्शन को फिल करेंगे तो बड़ा आसान सा कंसेप्ट है टैबलेट लो वाटर में डिजोल्व कर दो और ऐसी टैबलेट होनी चाहिए जिसका डिसेंट्रीगेशन वाटर में फटाफट हो जाए ऐसा ना हो कि वो टेबलेट का डिस ही ना हो ध्यान रखना ऐसे टेबलेट लेना जो कि वाटर सोल्यूबल हो ऐसे ड्रग लेना जो कि वाटर सोल्यूबल हो फिर उसका आपको सोल्यूशन तैयार करना है फिर आपने इंजेक्शन को फिल करना है और एडमिनिस्टर करना है इस तरह से होता है फिर आपका डिस्पेंसिंग इसमें भी सेम है यहां पर आपने ये डोज लिया मिक्स करा सोल्यूशन तैयार किया अब एक बात हमेशा ध्यान रखना ये जितने भी टेबलेट है जैसे हमने देखा हाइफर फिर हमने देखा अभी डिस्पेंसिंग ठीक है तो इन टैबलेट्स में ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं होना चाहिए जो कि हो, वाटर में इनसोल्यूबल हो ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए हो रहा है। तो यहां पर सब ही वोटर सोल्यूबल होने चाहिए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है शुड कंटेन नो इनसोल्यूबल मटेरियल कोई भी इन मटेरियल नहीं चाहिए नो कोई भी नहीं चाहिए ठीक है ताकि हमें क्लियर सोल्यूशन मिले आप देख सकते हैं कितना क्लियर सोल्यूशन है देखो मैं और हाईलाइट कर देता हूँ कितना क्लियर सोलूशन मिला और ये क्लियर सोल्यूशन कम मिल रहा है जब सारे ही सोल्यूबल हो जो एक्सीपिय ले रहे हो जो ड्रग ले रहे हो मुझे मतलब नहीं है सारे सोल्यूबल होने चाहिए सीधी सी बात है चाहे आप कोई सा भी यूज करो या तो आप स्वीटनिंग एजेंट फ्लेवरिंग एजेंट कलरिंग एजेंट प्रिजर्वेटिव एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट बाइंडर्स फिलर्स कुछ भी आप यूज करो सबके सब वाटर सोल्यूबल होने चाहिए तभी जाके तो तैयार होगा ठीक है स्ट्रक्चर वाइज यहां पर आपको दे रखा है ये देखो आप स्ट्रक्चर वाइज ठीक है ये जो क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चर वाइज वाला ये आप छोड़ सकते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी मैंने बस लिखा हुआ है जिसको रेड आउट करना है वो कर सकता है स्ट्रक्चर वाइज भी आप इसे क्लासिफाई कर सकते हो अलग अलग तरह की टेबलेट होती है मैंने आपको शुरू ही सिलेबस में बता दिया कि टेबलेट की शेप साइज उसका मोलिकुलर मास सब कुछ डिफरेंस होता है देखो यहां पर टेबलेट जो है साइज में शेप में वेट में हार्डनेस में थिकनेस में सब में डिफरेंट होती है आप देख सकते हैं सारी है। तो उस बेसिस देखो अभी तक मैं एकसिपेंट, एकसिपेंट, एकसिपेंट एकसिपेंट बोलते आ रहा हूं। होते क्या है एक्सीपेंट एक्चुअल में ड्रग को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टेबलेट के फॉर्मुलेशन में हेल्प करते हैं वो होते हैं है तो ड्रग को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना टेबलेट के फॉर्मुलेशन में हेल्प करवाना वो होते हैं है एक्सीपियपियंट आर नॉन टॉक्सिक नॉन इरिटेंट इनर्ट ठीक है कैसे होने चाहिए नॉन टॉक्सिक होने चाहिए नॉन इरिटेंट होने चाहिए इनर्ट होने चाहिए इनर्ट का मतलब क्या होता है वो देखो जैसे मान लीजिए मेरी ड्रग है इस ड्रग के साथ मैं कोई भी एक्सीपियंट मिला रहा हूँ जैसे कलरिंग एजेंट फ्लेवरिंग एजेंट स्वीटनिंग एजेंट एंटी ऑक्सीडेंट प्रिजर्वेटिव ग्लाइंडर बाइंडर ठीक है कुछ भी मैं मिला रहा हूँ फिलर वगैरह तो वो एक्सीपिय जो है इस ड्रग को खराब नहीं करने चाहिए ड्रग के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए एक्सिपियंट अपना काम करे एक्सिपियंट कलर प्रोवाइड करे फ्लेवर प्रोवाइड करे स्वीटनिंग प्रोवाइड करे प्रिजर्वेटिव करे एंटी की तरह एक्ट करे मतलब ऑक्सीडेशन से बचाए वो अपना काम करे कोई दिक्कत नहीं है पर वो हमारी ड्रग को खराब नहीं करना चाहिए और जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया है जैसे मान लीजिए 500 हंड्रेड एम जी ड्रग्स है सिक्स हंड्रेड एम ड्रग्स है तो इस ड्रग से तो टेबलेट बनने से रही इतनी बड़ी टेबलेट अगर आपको इतने से डोज में बनानी है तो बनने से रही ठीक है तो फिर हमें उसमें फिलर एड करने होते हैं ठीक है कई तरह के एक्सीपेंट एड एक करने होते हैं तब जाके टेबलेट बनती है क्योंकि ड्रग तो कितनी सी है फाइव हंड्रेड अब उससे अगर आप टेबलेट बनाओगे तो क्या बन जाएगी इतनी सी टेबलेट क्या काम की है? चलो इतनी बन गई तो नहीं हमें टेबलेट बनानी है अच्छे से तो हमें यहां पर कई तरह के एक्सीपेंट यूज करने चाहिए ठीक है क्योंकि एक्सिपियंट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं excipient आपके फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज में भी हेल्प करते हैं ADMA में एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन में साथ ही साथ नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए नॉन इरिटेंट होने चाहिए और इनर्ट होने चाहिए ठीक है तो यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी लिखी हुई है सारी एज इट इज मैंने लिखी हुई है कि एक्सीपिय मुझे कैसा चाहिए ऐसा जो ड्रग को स्टेबल रखे ऐसा जो मेरे डोजेस फॉर्म को स्टेबल रखे ऐसा जो कि इनर्ट हो ऐसा जो अपने काम से काम रखे हमारे ड्रग के साथ छेड़छाड़ ना करे नॉन टॉक्सिक हो नॉन रिएक्टिव हो नॉन इरिटेंट हो ये सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए हमारे एक्सीपिय में कई तरह के एक्सिपियंट होते हैं आप देखो कितने तरह के दिखा रहे हैं कलरिंग एजेंट फ्लेवरिंग एजेंट स्वीटनिंग एजेंट प्रिजर्वेटिव एंटी सस्पेंडिंग एजेंट बाइंडर लुब्रिकेंट डिसगेंट डिस इंटीगेंट डालना भी जरूरी होता है टेबलेट अंदर जाके टूटती है ना ड्रग वहां से रिलीज होता है ना टेबलेट टूटने के बाद तो टेबलेट टूटेगी कब जब उसमें आप डिसगेंट एजेंट डालोगे ये डिस करवाता है टेबलेट को तोड़वाता है ठीक है कोटिंग एजेंट होते हैं पेनिट्रेशन एनहांसर होते हैं जो पेनिट्रेट करवाने की है। साथ, enhancer, मतलब के काम आए और साथ ही साथ पेनिट्रेशन एनहांसर मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जब ड्रग को पेनिट्रेट करना होता है तो पेनिट्रेशन एनहांसर कोटिंग एजेंट ग्लाइडेंट एंटी एडहेरेंट फिलर बल्किंग एजेंट डाइलवेंट बहुत तरह की चीजें मिलानी पड़ती है ये सारे एक्सिपिएंट होते हैं और इन सबको ऐड करना पड़ता है अब आप खुद सोचो एक टेबलेट को

प्रिजर्वेटिव उसको बचा कर रखेगा किसी भी तरह के कंटामिनेशन से एंटी ऑक्सीडेंट टेबलेट का ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा ठीक है बल्किंग एजेंट उसे बल्कनेस प्रोवाइड करेगा मैंने आपको बोला ना इतना सा एमजी ड्रग कैसे टैबलेट बनावाएगा तो बल्किंग एजेंट उसको बल्कनेस प्रोवाइड कराएगा बाइंडर उसे बाइंड करके रखेगा ड्रग और एक्सीपेंट को जो ड्रग और एक्सीपेंट आपस में जुड़े हैं ना इसको बाइंड करके कौन रखेगा बाइंडर लुब्रिकेंट लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा मैंने आपको बोला था जब फॉर्मुलेशन होती है टेबलेट की तो जो ग्रेन्यूल होते हैं उसको कंप्रेस किया जाता है तो ये ग्रेन्यूल यहाँ पर चिपके ना यहाँ पर इस डाई कैविटी में चिपके ना चिपक जाएंगे तो फिर टेबलेट सही से नहीं बन पाएगी ना तो यहाँ पर चिपके ना इसलिए यहां पर लुब्रिकेंट लगाया जाता है ठीक है तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी डिस इंट्रीगेंट एजेंट डालना पड़ता है ताकि डिस हो जाए टेबलेट का तो सारी बातें मैंने यहां पर लिखी हुई है देखो सबका लिखा हुआ है देख लो आप ये डिस हो गया ठीक है ये बाइंडर हो गए क्या काम आते हैं ये आपके फिलर हो गए क्या काम आते हैं सबका लिखा हुआ है कोटिंग एजेंट सॉलबेंट लुब्रिकेंट ग्लाइडेंट अब ये लुब्रिकेंट नाम से पता लग रहा मैंने आपको बोला ना वो डाई कैविटी वहाँ पे लुब्रिकेशन के लिए लुब्रिकेंट लगा देते हैं ताकि वहां पर कोई ड्रग जो है स्टिक ना हो जाए प्रिजर्वेटिव डालना पड़ता है एंटी डालना पड़ता है स्वीटनिंग एजेंट डालना पड़ता है फ्लेवरिंग कलरिंग सोलवेंट सेट करने होते हैं को कोसोल्वेंट स्केलेटिंग एजेंट स्टेबिलिटी के लिए डालने होते हैं तो ये कई तरह की चीजें हैं जो कि मैंने आपको पहले बता दी बफरिंग ताकि पीएच मेंटेन रहे खराब ना हो ड्रग हमारी ठीक है थोड़े पी से पीएच चेंज होने से ड्रग को कोई फर्क ना पड़े बहुत सारी चीजें डलती है एक टेबलेट के फॉर्मुलेशन में तो ये सारे से इनकी दो दो तीन तीन लाइन याद रख लेनी है बस ये तो मैंने वैसे भी बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है बट जितना मैंने आपको दो दो लाइन ऊपर से बताई है ना वो भी आप लिख दोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा काफी है मोर देन सफिशियंट है तो ये था आज का आपका लेक्चर जहां पर हमने देखा एक्सीपिय

आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ये नोट्स आपको डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से टेलीग्राम से जुड़ जाना टेलीग्राम पर रेगुलर अपडेट आते हैं पोल्स आते हैं इंस्टाग्राम पे मीम आते हैं और टेलीग्राम इंस्टाग्राम और डेप्टो बायोलॉजी एप्लीकेशन तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जाके चेक कर लो सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं हैव अ नाइस डे थैंक यू